हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। मैं हूं जीत, और अगर आपने हमारी पुरानी कोई भी रेसिपी अगर देखी होगी तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, हम बहुत ही सिंपल और डिलीशियस नो शुगर रेसिपीज़ बनाते हैं। यानी कि हम अपनी रेसिपीज़ में शुगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और शुगर को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीविया। और अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी रेसिपीज़ फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो गाइज, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल, ईजी और डिलीशियस राइस खीर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी, और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं, आपके घर में पक्का सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे राइस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यही है हमारा राइस। हमको चाहिए यहाँ पे शॉर्ट ग्रेन वाला, यानी कि छोटे दाने वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बासमती राइस से अच्छी खीर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बासमती राइस का जो स्टार्च है वो बहुत लेट रिलीज होता है, यानी कि बहुत कम स्टार्च उसमें रिलीज होता है। इसकी वजह से खीर जो है वो अच्छी क्रीमी और गाढ़ी नहीं हो पाती है। और अगर शॉर्ट ग्रेन राइस का आप यूज़ करते हैं तो इसमें स्टार्च बहुत अच्छी क्वान्टिटी में अच्छे से रिलीज होता है दूध में, जिसके कारण जो हमारी खीर है वो बहुत अच्छी क्रीमी और डिलीशियस बनती है। तो राइस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऑब्वियसली दूध। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर लो फैट मिल्क। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा स्टीविया पाउडर। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैजिक लीफ का स्टीविया पाउडर, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टीविया पाउडर है जो मेरे को मिला है अभी तक, जो मैंने अभी तक यूज़ किया है। और इसके अलावा हमें चाहिए कुछ नट्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी नट्स ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सैफ्रन भी लिया हुआ है। सैफ्रन से हमको एक बहुत अच्छा कलर मिलता है खीर में, और इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी होता है। तो शुरू करते हैं अब खीर बनाना। तो सबसे पहले हमने जो चावल लिया है इसको भिगाना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट ग्रेन राइस हमने लेना है यहाँ पे, यानी कि छोटे दाने वाला जो चावल होता है यही लेना है। और यहाँ पे मैं लगभग ये 1/4 कप ले रहा हूँ, जो कि आप अगर ग्राम से नापेंगे तो लगभग 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम राइस है, और इसके साथ मैं लूँगा 1 लीटर मिल्क। तो ये रेशियो आपने याद रखना है, और आपकी खीर हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपने इससे ज़्यादा राइस नहीं डालना है 1 लीटर दूध में। तो सबसे पहले हमने इस राइस को वॉश करके भिगा लेना है। तो एक दो बार इसको वॉश कर लीजिए, और फिर इसकी जब गंदगी निकल जाएगी उसके बाद इसको भिगा लेना है आपने लगभग आधा घंटा से 1 घंटा तक। और 1 घंटा भिगाने के बाद में हम अपना कुकिंग प्रोसेस शुरू कर लेंगे। तो लगभग 1 घंटा चावल भीग चुके हैं, और अब हमने दूध और चावल को पकने के लिए डाल देना है कढ़ाई में। तो स्लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है, और बस हमको चावल पकने तक इंतज़ार करना है। चावल जैसे ही पक जाएंगे, साथ साथ में दूध भी रिड्यूस हो जाएगा, और हमारी जो खीर है वो भी बहुत ही गाढ़ी और अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो चावल हमने लिए थे इनसे मैं पानी निकाल लेता हूँ, और इन्हें अब हम डाल देंगे कढ़ाई में। और इसी के साथ जो दूध है ये भी हम डाल देंगे चावल के साथ कढ़ाई में। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि दूध बहुत ज़्यादा है इतने चावल के लिए, लेकिन जब आप लास्ट में देखेंगे खीर बनके जब रेडी हो जाएगी, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको 50 ग्राम से ज़्यादा चावल नहीं चाहिए 1 लीटर दूध के लिए। तो फिलहाल इसे पकने देते हैं, और जब तक ये पक रहा है तब तक हमने इसको चलाते रहना है ताकि दूध नीचे लगे ना। देखिए खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, थिक भी अच्छी हो गई है। और अब हम डालेंगे इसमें हमारा मैजिक लीफ का स्टीविया पाउडर, और लगभग यहाँ पे 3 टेबलस्पून में डालूँगा, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर हमको और स्वीटनेस चाहिए तो हम और डाल लेंगे। खीर को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट है। और लास्ट में हम इसमें अब ऐड कर देंगे कुछ नट्स, जिनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है और चॉप करके रखा हुआ है। तो कुछ काजू, बादाम, और थोड़े से डेट्स, और थोड़े से किशमिश। तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी है, तो बिना किसी देरी के अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं एक बोल में।
ऊपर से थोड़ा सा नट्स की गार्निश, और हमारी खीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सो गाइज, आपने देख ही लिया होगा कितनी क्रीमी और डिलीशियस हमारी खीर बनी हुई है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर करना। और इस रेसिपी को बनाते समय आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, बासमती राइस नहीं लेनी है, उससे क्रीमी नहीं बनती है खीर। दूसरी चीज़, इनका रेशो यानी कि राइस और दूध का रेशो बिल्कुल सही लेना है। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा राइस नहीं डालना है। आपने देख ही लिया है कि हमने 1 लीटर दूध में सिर्फ 50 ग्राम राइस डाला था, और उसी से हमारी जो खीर है कितनी परफेक्ट बनी है। तो ये रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको यह हमेशा याद रखना है। सो ये एक दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो खीर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी हमेशा। सो गाइज, ये सिंपल और डिलीशियस रेसिपी आपको मिली गई है, तो बनाइए घर में और सबको खिलाइए, और हमें ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।